सलाम पप्पू। वालेकुम सलाम। तुम आ गए? बस अभी आया हूँ। बाकी सब कहाँ है? अब्बा तो नमाज पढ़ रही हूँ और भाभी और सुरैया बाजार गए। नहीं, और कनीज फातिमा वो भी उनके साथ गई? वो उनके साथ नहीं गई। वो कह रही थी उसे किसी से मिलना है। मैं कल जॉर्ज से मिलूंगी, क्योंकि मैं उससे कम लग पाऊंगी। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं पप्पो, मैं थका हुआ हूँ, आराम करूंगा। रोशनी मत करो, अंधेरे में तुम्हारा चेहरा देख के शायद मैं वो सब ना कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। तुम कब आए? जब तुम घर पे नहीं थे। तुम्हें बताया था ना, जॉर्ज से मिलना था। कमिटमेंट कर ली थी। उसने तो कहा था कि रुक जाओ, मैं जल्दी वापस आ गई। तुम्हें देर होगी कहीं सवाल। क्या मतलब? मतलब ये कि नहीं, फातिमा के मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी आपत में वो ताकत ही नहीं है तो वो मेरी बात मानने पर मजबूर कर सके, और ना ही हमारे रिश्ते में वो जान है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखे। मैं समझ गया हूं कि तुम जाना चाहती हो और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। जा सकती हो, मेरी मोहब्बत से आजाद होकर। और अगर तुम इस रिश्ते से भी आजाद होना चाहती हो तो हमारे इस फैसले का भी एहतराम करो। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो सिर्फ इस बात पे कि मैं जॉर्ज से मिली थी? वो भी मुझसे? हमारे नजदीक शायद ये छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं। हम दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग। हमारी दुनिया में बहुत रंगीनी, बहुत रोशनी है कनीज फातिमा। इसकी कशिश तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी और मैं तुम्हें जबरदस्ती इस दुनिया में नहीं रखना चाहता। जहां सब कुछ मुख्तलिफ और फीका है, कुछ भी वैसा नहीं है जैसे तुम छोड़कर आई हो। मेरी मोहब्बत तो ऐसे भी इस काबिल नहीं है कि तुम उसके खातिर एक बेरंग जिंदगी गुजारो।